हेलो दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों अभी भी अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो दोस्तों पूरी बातें सुन के जाना, समझ के जाना, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों इस टाइम व्हाट्सएप बहुत ज्यादा हैक हो रहा है। दोस्तों मेरे पास कहीं बगल में एक लड़के का दोस्तों उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ और दोस्तों उसके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर थे दोस्तों उस नंबर पे वो बंदा हैक करने वाला क्या कर रहा था, गालियां दे रहा था या तो दोस्तों पैसे मांग रहा था। अब दोस्तों हुआ क्या कि उस लड़के के नंबर पे, यानी कि जिसका व्हाट्सएप है उसका व्हाट्सएप हैक हुआ था, बट दोस्तों उसके नंबर पे कॉल करने पे दोस्तों उसके पास फोन जा रहा था। दोस्तों रात में किसी ने बताया कि तुम्हारे व्हाट्सएप के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कोई ऐसा बंदा है जो कि पैसे मांग रहा है और गालियां भी दे रहा है। तो दोस्तों जब सुबह में मैंने देखा कि दोस्तों उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है और दोस्तों उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन भी हो चुका है, यानी कि दोस्तों जब हम उसमें लॉगिन कर रहे थे तो लॉगिन ही नहीं हो रहे थे, ओटीपी वगैरह तो आ रहा था लेकिन दोस्तों उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा चुका था बंदा, कोड लगा चुका था, ईमेल फिट कर चुका था। अब दोस्तों हम उसके व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कर रहे थे तो दोस्तों नहीं हो रहा था। अब दोस्तों हुआ क्या कि हम लोग फटाफट से 100 नंबर पे कॉल लगाए और दोस्तों सारा मामला पुलिस को बताए और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों पुलिस वाले आए और कुछ पेपर पे दोस्तों एप्लीकेशन लिखवाए और वो लोग चले गए। दोस्तों इससे क्या होगा कि दोस्तों अगर उस बंदे ने, यानी कि जिसने हैक किया है, अगर कुछ भी करता है तो दोस्तों आप सेफ रहो, सिक्योर रहोगे क्योंकि आपने ऐसी कंप्लेन दर्ज करवा दी है। अब दोस्तों आपको उसके बाद करना क्या है कि दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बात करनी है और आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर करना है। यानी कि दोस्तों अगर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बात करोगे और बताओगे कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है तो दोस्तों जो रिकवर करने का प्रोसेस होता है वो आप लोगों को बताएंगे। अब दोस्तों जो पूरी जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, कैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सेफ और सिक्योर बना सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलना होगा और दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटे के बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आने वाली और भी इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों फटाफट से मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं। दोस्तों यहां पे मैं फटाफट से अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूं। दोस्तों व्हाट्सएप जैसे ही ओपन करते हो आपको यहां पे दोस्तों राइट साइड में दोस्तों आपको थ्री लाइन वाला, यानी कि थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग का ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे। आपको दोस्तों यहां पे सेटिंग को ओपन करने हैं। सेटिंग को जैसे ही ओपन करते हो तो दोस्तों आपको यहां पे फर्स्ट नंबर पे दोस्तों अकाउंट सिक्योरिटी और फोन नंबर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये सब ओपन करोगे तो आपको दोस्तों फर्स्ट नंबर प्राइवेसी सिक्योरिटी और टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। अब आपको करना क्या है कि दोस्तों आपको सिंपल सा टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और दोस्तों जैसे ही टू स्टेप वेरिफिकेशन करोगे इसका फायदा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको यहाँ पे इनेबल पे टैप करना है। जैसे ही दोस्तों मान लो अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, अगर आप इस फीचर्स को इनेबल कर देते हो तो दोस्तों हैक होने के बाद दोस्तों जब वो बंदा आपको लॉगिन करेगा, आपका व्हाट्सएप लॉगिन करेगा तो दोस्तों एक टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला पासवर्ड मांगेगा, फिर उसको नहीं पता है वो आपका व्हाट्सएप लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने फोन के अंदर, ये इसका दोस्तों फायदा है। तो दोस्तों आपको यहां पे 6 डिजिट का एक पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों पासवर्ड आपको यहां पे स्ट्रांग पासवर्ड डालना है जो कोई क्रैक ना कर पाए। दोस्तों यहां पे मैंने 2 बार अपना जो यहां पे 6 डिजिट का पासवर्ड है दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन यहां पे नंबर मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों आप यहां पे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बाकी दोस्तों आप चाहो तो यहां पे अपना एक और ईमेल भी डाल सकते हो ताकि अगर दोस्तों मान लो हो सके अगर बंदे ने अगर पासवर्ड डाल दिया तो दोस्तों यहां पे जीमेल जो है जीमेल पे भी आपके पासवर्ड जाएगा। दोस्तों जब तक वो जीमेल का पासवर्ड उसे पता नहीं होगा दोस्तों आपके मोबाइल यानी कि दोस्तों व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये फायदा है। दोस्तों आपको यहां पे अपना जीमेल आईडी डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करके और दोस्तों सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये सब सारा दोस्तों प्रोसेस पूरा करने के बाद दोस्तों आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हैक करने वाला हैक भी करेगा तो दोस्तों लॉगिन करेगा जब वो आपका जो पासवर्ड है टू स्टेप वेरिफिकेशन का उसको नहीं पता होगा, फिर वो दोस्तों लॉगिन नहीं कर पाएगा। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो में दोस्तों जानकारी दी है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों मैं हमेशा अपने चैनल पर इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो दोस्तों अगर आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के घंटे के बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देना।